हेलो मेरे प्यारे बच्चों तो आप सभी ने कहा कि मैम छंद पढ़ा दीजिए और छंद में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है कि सोरठा और दोहा में हमें अंतर आना चाहिए और उसी के साथ साथ हमें मात्रा लगाना आना चाहिए बच्चों तो मात्रा लगाना बहुत ही आसान होता है जिसको जिसको नहीं आता है ये वीडियो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको पता है बोर्ड एग्जाम में ये सभी चीज़ें हंड्रेड परसेंट आती आती हैं तो क्यों ना हम अच्छे से तैयार कर लें ताकि हमारा एक भी पॉइंट गलती ना हो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले समझते हैं छंद की परिभाषा क्या है तो छंद क्या है छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों बंधन होता है गति विराम मात्रा आदि नियमों पर आधारित शब्द रचना को ही क्या कहा जाता है छंद कहा जाता है अब याद कैसे करोगे देखो मात्रा लगाते हैं ना सोठा और दोहा में तो दोहा और छोटा किसके अंदर आता है छंद के अंदर आता है तो आसानी से याद हो जाएगा कि क्या है एक बंधन है इसका शब्द अर्थ है बंधन गति विराम मात्रा आदि नियमों पर आधारित शब्द रचना होती है उसी को क्या कहा जाता है बच्चों छंद कहा जाता है ठीक इतना समझ में आया चलो अब छंद में हमें दोहा सोरठा पढ़ना है और रोला को भी मैं पढ़ा दूंगी ताकि जो इंटर वाले बच्चे हैं उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए क्योंकि आपके हाई स्कूल में केवल सोरठा और दोहा है चलिए अब पहले समझते हैं बच्चों की सोरठा क्या होता है ठीक सोरठा की परिभाषा क्या होती है ये क्या होता है दोहे का उल्टा होता है पहले व तीसरे चरण में ग्यारह ग्यारह तथा दूसरे और चौथे चरण में तेरह तेरह मात्राएं होती हैं जो सोरठा होता है वो क्या होता है बच्चों दोहे का उल्टा होता है इसके पहले और तीसरे चरण में अब पहले और तीसरा चरण कौन सा है ये देखो कॉमा के पहले जो लिखा है ये पहला चरण तो जो कॉमा के पहले होता है वो पहला चरण होता है जस्ट इसके नीचे वाला दूसरा चरण और जो ये तीसरा चरण जस्ट पहले वाले के नीचे जो होता है वो तीसरा चरण होता है दूसरा ये जो हो जाएगा कॉमा के बाद और जस्ट इसी के नीचे वाला क्या होता है चौथा चरण होता है ठीक समझ आ गए इतनी बात चलिए इतना डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा और दोहा और सोरठा जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ओके जस्ट लुकिंग लाइक ओके चलो फिर शुरू करते हैं और चलिए मात्राएं अब लगाते हैं और आपको आसानी से मैं समझाते चलूंगी कैसे कैसे लगता है मात्रा देखिए पहले समझते हैं सोरठा की जो उदाहरण है वो क्या है जो सुमिरत सिधि होई गन नायक करिवर बदन करो अनुग्रह सोई बुद्ध हिरासुभ गुण सदन ठीक ये क्या है सोठा की परिभाषा अब इसका जो है हमें क्या पढ़ना है मात्रा इस पर लगानी है तो इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया है ताकि आपको समझा सकूँ आराम से क्योंकि उसमें एक साथ लेना तो दिक्कत हो सकती है देखो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है जो सुमृत सब मात्रा लगाने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा अब लघु क्या होता है जहाँ पे सिंगल ये एक पाई ऐसे खींच दी जाए वो लघु मात्रा है और इसका मतलब होता है एक मात्रा ठीक है दीर्घ का मतलब होता है दो ये जो साइन बनता है बच्चों ये एस टाइप का ये क्या है दो है तो सिंगल एक लाइन का मतलब एक मात्रा और एस जो इस टाइप का बनता है इसका मतलब है दो मात्राएँ आपको इतना मात्रा लगाने से पहले आना चाहिए क्योंकि ये अगर आपको नहीं पता है तो फिर मात्रा तो आप कर ही नहीं सकते हो ठीक है इतना चीज समझ में आ गया चलो अब देखें कि मात्रा हमें लगाने कैसी होती है और दो चीज जब मात्रा आप लगाएं तो पता होना चाहिए लघु कहाँ लगता है और दीर्घ कहां लगता है तो याद रखिएगा बच्चों लघु मात्रा वहां लगती है जहां हमें शब्द पे जोर नहीं देना पड़ता जोर नहीं देना पड़ता मतलब इसका क्या अभी देखिए समझा दूंगी आपको जब मात्रा लगाते चलूंगी और दीर्घ मात्रा वहाँ लगती है जहाँ हमें किसी शब्द को जोड़ देकर पढ़ना पड़ता है कैसे जोड़ देकर जैसे हींग क्या मैंने कहा हींग तो देखो ही में ज़्यादा मुझे जोड़ देना पड़ रहा है ना और गा में आराम से बोल दे रही हूँ हींग है ना तो ही में हमने मात्रा जोड़ दिया तो यहाँ पे दो मात्रा लगेगी और दो को कैसे लिखते हैं ऐसे हींग ग को मैंने आसानी से बोल दिया इस पर हमें गले पे जोर नहीं देना पड़ा तो इसलिए यहाँ पे सिंगल एक मात्रा ठीक है तो चलिए आप हम समझते हैं जो सुमिरत सिधि गण नायक करिवर बदन अब लिखा है मैंने जो है ना जो हमने कहा तो इस पर गले पे हमें जोर देना पड़ रहा है कि नहीं जोर जो तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा दो मात्रा जो सुमिरत क्या बोला मैंने सुमिरत सु सो पे हमने क्या किया जोर नहीं देना पड़ा हमें तो हम यहाँ पे लगाएंगे केवल एक सिंगल सो मी मी पे हमने जो गले पे जोर नहीं देना पड़ा मी रत हमने यहाँ पे भी रत कोई भी हमें जोर नहीं देना पड़ा तो सिंगल सिंगल सीधी अब एक एक अक्षर पे लगता है ये मत सोचना कि एक साथ लगता है हमेशा एक अक्षर पे मात्रा देखी जाती है अब देखो लिखा है सीधी सीधी हमें यहाँ गले पे जोर नहीं देना पड़ा तो सी पे भी एक सिंगल मात्रा लगेगी और धी पे भी एक सिंगल मात्रा लगेगी सिद ठीक है होई हो देखो क्या बोल रहा है सिद होई हो तो हो पे हमें जरूरत जोर देना पड़ रहा है हाँ तो यहाँ पर डबल दो मात्रा हो ई पे हमें गले पे जोर नहीं देना पड़ रहा है इसलिए छोटी में एक ही मात्रा अब ये बताओ सोरठा में मैंने क्या कहा पहले और तीसरे चरण में क्या होती हैं ग्यारह ग्यारह मात्राएँ है होती हैं है ना यही तो बताया अब अच्छा चलो गिनते हैं इसमें ग्यारह मात्रा है कि नहीं आप ऐसे क्लियर भी कर लेना इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी ये मात्रा जो लगाई गई वो गलत है या सही तो इसे देख लेना इसीलिए बोल रही हूँ डिफिनेशन याद होना चाहिए क्या है पहले और तीसरे चरण में क्या होना चाहिए ग्यारह ग्यारह तो पहले ग्यारह देखते हैं कि नहीं तो दो इसको क्या करेंगे दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ और दो दस और एक ग्यारह ग्यारह हो गई अब क्या कहा गया है पहले और तीसरे में ग्यारह ग्यारह हो लेकिन दूसरे और चौथे चरण में क्या हो तेरा तेरा हो तो मतलब इसमें तेरा मात्रा होनी चाहिए है ना चलो देखो इसमें है कि नहीं अब गन नायक यही तो कहा गया है गन तो हमें जोर नहीं देना पड़ा गन नायक तो ना पे हमें जोर देना पड़ा तो ना यक जोर नहीं देना पड़ा या पे एक मात्रा का पे एकमात्रा करी व एक मात्रा होगी बदन ब द चलो गिनो एक दो दो और दो चार ये दोनों छः छः और दो आठ आठ और दो दस और तीन तेरह तेरह हो गई ना तो इसका मतलब हमारा सही है बस अब एक लाइन में आपको यही देखना रहता है बाकी अगली लाइन में आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है मैं इसको ब्लैक से कराऊंगी ताकि आपको अलग अलग, अलग दिखे चलो करहु तो करहु एक एक मात्रा तीनों अक्षर पे अनुग्रह अनुग्रह ग्रह देखो ग्रह गा पे हमें जोर पड़ रहा है तो यहाँ पे दो मात्रा हाँ सोई सो कितने हो गए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह मतलब यहाँ पे ये यह कॉमा लग जाएगा ठीक आगे देखेंगे यहाँ पे अब तेरह होनी चाहिए तो बुधि देखो बुधि यहाँ पे क्या बड़ा जोर दे यहाँ पे दो शब्द एक साथ है याद रखिएगा जहाँ पर भी दो शब्द जैसे मान लो आधा धा है और फिर दा यह दो शब्द एक साथ है तो वहाँ पे हमेशा दो मात्रा लगती है राशि राशि शुभ शुभ गुण सदन एक एक लग गई तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह कुल कितनी हो गई बच्चों तेरह मात्राएं तो समझ में आ गया ना मात्रा लगाना अभी दोहा में भी मैं आपको लगाऊंगी अगर यहाँ पे कुछ डाउट बच गया होगा तो वो दोहा में आपका क्लियर हो जाएगा ठीक है चलिए अब दोहा समझते हैं और जो दोहा होता है बच्चों वो किसका उल्टा होता है जस्ट वो सोरठे का उल्टा होता है जैसे दोहा जैसे सोरठा क्या है दोहे का उल्टा उसी तरीके से दोहा सोरठे का उल्टा होता है देखो यह क्या लिखा है यह सोरठा का उल्टा होता है पहले व तीसरे चरण में तेरह तेरह मात्रा दूसरे व चौथे चरण में ग्यारह ग्यारह मात्रा सोरठा में हमने देखा था पहले देखिए सामने आपके मात्र लगा के दिखाई थी मैंने तो पहले और तीसरे चरण में क्या थी ग्यारह ग्यारह दूसरे और चौथे चरण में क्या थी तेरह तेरह मात्राएं उसी तरीके से आप देखिए दोहा दोहा में क्या लिखा गया है पहले और तीसरे चरण में तेरह मात्राएं होंगी और जबकि दूसरे और चौथे चरण में ग्यारह ग्यारह होगी चलिए अब हम दोहा ले लेते हैं और दोहा को आपके सामने मैं करके दिखाती हूँ और आपको ध्यान से समझना है ठीक है चलिए रहीमन पानी राखी ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों और दोहा के लिए ये ज़रूर याद कर लीजिएगा और इम्पॉर्टेंट और सरल भी है ठीक है और ऐसा कोई भी याद मत करना जो कठिन हो आपको मात्रा लगाने के लिए सरल सिंपल जो हो वही याद करना और ये जो मैंने आपको दोनों साथ में बताए यही याद कर लीजिए बेस्ट है ये चलिए रहीमन अब रही र ही म नहीमन पा नी रा खी, ए, ठीक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह हो गई इसमें भी नीचे में तेरा होगा देखिए यहाँ पे तेरह तेरह मात्राएं होंगी और यहाँ पर ग्यारह ग्यारह अब बिन बिन क्या लिखा है बिन बिन पानी सब सुन ऐसे पढ़िएगा तब आप आसानी से लगा सकोगे है ना अगला देखिए सब सुन अब गिनेंगे इसमें ग्यारह मात्रा है कि नहीं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह हो गई ना चलिए आगे देखिए पानी तो पानी पानी गए गए न उ तो उ बरे, उ बरे। एक, तो यहां एक दो यहाँ पे इसको एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ देखो यहाँ पे मेरी गलती हुई है ना उ बरे रे, रे है तो यहाँ पे एक ही मात्रा इसमें लगी तो हमें गले पे जोर देना पड़ रहा है इसलिए यहाँ पे दो मात्रा लग जाएगी ऐसे आप जब मात्रा गिनेंगे तो गलती आपकी समझ में आएगी कहाँ है और देखो ये है गए यहाँ पे एक ही यहाँ पे मात्रा मैंने लगाना भूल गई थी यहाँ पे ऐसे तो पानी पानी गए दो, दो चार एक पाँच दो सात न आठ नौ दस ग्यारह बारह और तेरह हो गई ना तेरह मात्राएँ चलिए मोती 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 मानुस मानु यहाँ पे एक सिंगल मात्रा है हाँ तो मैंने गलती चुन, चुन, दो दो चार दो छः दो आठ दो दस एक ग्यारह आप देख सकते हैं दोहा क्या होता है जस्ट सोर्टे का उल्टा होता है पहले और तीसरे में तेरह तेरह दूसरे और चौथे में ग्यारह ग्यारह मात्रा है किस में होती है बच्चों दोहे में होती हैं सेम इसी तरीके के सोठा होता है जिसमें पहले और तीसरे चरण में ग्यारह ग्यारह दूसरे और चौथे में तेरह तेरह मात्राएं है होती हैं ठीक है तो मात्रा लगाना आ गया ना बहुत आसान है मात्रा लगाना बस दो ही तीन चीज़ें आपको समझनी है इसे क्या कहा जाता है दीर्घ मात्रा जिसमें मतलब होता है दो इसको कहा जाता है लघु मात्रा जिसका मतलब होता है एक और जब कोई दो अक्षर आपस अच्छा में जुड़ जाए तो उसमें हमेशा दो मात्रा लगती है जब किसी अक्षर पर जैसे या लिखा है इस पर एक की मात्रा कोई इस पर मात्रा लगी है जैसे किसी भी अक्षर पर कोई मात्रा जैसे रा है बड़ी की मात्रा लगी है तो यहाँ पे भी दो यहाँ पे भी दो कोई सिंगल अक्षर अच्छा है जैसे मान लो ना इससे केवल साफ सिंगल लिखा है तो एक पे एक मान लो ना पे एक की मात्रा लगती तो यहाँ पे मात्रा दो हो जाती बस यही चीज़ें आपको देखनी है और कुछ नहीं जब जैसे दो शब्द एक साथ दो अक्षर एक साथ है तो दो मात्रा मात्र किसी अक्षर पे मात्रा लगाई गई है तो वहाँ पर भी दो रहेगा ठीक है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमें पढ़ना है रोला रोला क्या होता है या क्या होता है बच्चों एक सममात्रिक छंद है रोला क्या है एक सम्मात्रिक छंद होता है इसमें चार चरण होते हैं प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं बच्चों चौबीस चौबीस मात्राएं होती हैं तो जो रोला होता है उसके हर एक चरण में चौबीस मात्रा होती है अच्छा ये बताओ जैसे चौबीस मात्रा हर एक चरण में है कुल कितने चरण हैं चार तो अगर हम चार का मल्टीप्लाई करते हैं तो चार चूँकि सोलह चार दूनिया आठ एक नौ तो अगर मैं कहूँ कुल कितनी मात्राएं होती हैं रोला में तो क्या दो दोगे छानबे मात्राएँ होती हैं ठीक है ऐसा सवाल भी हो सकता है पूछे जाएँ कोई क्लियर नहीं है लेकिन अगर आप पूछे जाए तो आप पहले से ही तैयार रहेंगे ज़्यादा बुद्धिमानी है ठीक है बच्चों तो समझ में आ गई इतनी बात सोलठा और दोहा समझ गए ना और रोला आपके में है नहीं केवल मैंने परिभाषा इसलिए बता दिया है ताकि परिभाषा अगर मान लो आए वैसे आएगा नहीं लेकिन अगर आ जाए तो लिख लेना वैसे आता नहीं है ठीक है तो एक एक्स्ट्रा मैंने करा दिया है ठीक तो वीडियो अगर पसंद है तो ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा थैंक यू बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम